ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। कुछ तो कहो, कौन? मुझे कुछ नहीं कहना, मेरी बेटी को बाथरूम जाना था तो मैं यहाँ आई हूँ, वरना कदम भी ना रखती मैं इस घर में। कमल, क्या हम लोग पास्ट को पास में नहीं रख सकते? We all have moved on. Have we moved on? Have we? हमारी ये बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ भैया। क्यों? हजम, मेरी नंद इसी घर में बैठी है and she does not know anything. हाँ तो बता दो ना, बता दो कोमल के हमने मोहब्बत की थी, गुनाह नहीं किया था। जो तुमने किया था वो मोहब्बत थी? हाँ, इन्हीं बातों की वजह से तुम जहर लगते हो मुझे, यू हार्टलेस। नहीं कोमल, प्लीज ऐसे मत कहो। तुम जानती हो कि तुम्हें देखने के बाद मैं किसी काम का नहीं रहता। शायद इसी वजह से 7 बरसों से मैं लंदन से वापस नहीं आया। मुझे घर जाना है। वो घर है तुम्हारा? हाजिम, जो ख्वाब का महल तुमने बनाया था वो घर था? कोमल, जिस घर में तुम रह रही हो वो तुम्हारा ख्वाबों का जादू का घर, क्या वो घर है तुम्हारा? क्या वो महल है तुम्हारा? कोमल, वेक अप। उमर, मेरी जगह किसी को नहीं देगा। मैं वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। आंख उठा के भी नहीं देखता हूँ उसको। कब तक कोमल? मेरा और तुम्हारा दिल एक ही वक्त एक ही जगह धड़कता है कोमल। अगर अपनी नहीं सुननी तो ना सुनो, मेरी सुन लो, फायदा होगा तुम्हें। कोमल, यू आर डिफीटेड। तुम अगर अभी भी हार मान लो तो शायद तुम्हारी जीत हो सकती है। आई एम नॉट डिफीटेड यू इडियट। मां बचा नहीं, आई एम डन। फिलज़ाद, कम बैक। तुम भी आई हुई हो, आ जाओ अंदर, सब लोग हैं। एक्चुअली मेरा घर जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है, काम रुके हुए हैं बहुत, आप जैनी को बुला दीजिए। नहीं, काम शाम छोड़ो, कभी बड़ों की भी बात सुन लिया करो। आ जाओ ना अंदर, तुमने कौन सा रोज रोज आना, चलो आ जाओ।